नमो नमो विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे हैं बीए पार्ट थर्ड में संस्कृत में व्याकरण विषय। और व्याकरण में हम पढ़ रहे हैं विद्यार्थियों तिंग अंत अर्थात तिगंत प्रकरण पढ़ रहे हैं। और इसमें हम पढ़ रहे हैं भू धातु के लोट लकार में रूप। अब भू धातु के लोट लकार में जो रूप पढ़ रहे हैं विद्यार्थियों, हम देखिए अब हम कुछ नए सूत्र पढ़ेंगे और उन सूत्रों के बाद फिर रूपों की सिद्धियां करेंगे। देखिए एक सूत्र है लोटो लंगवत। देखिए विद्यार्थियों कौन सा सूत्र है, लोटो लंगवत। ये जो सूत्र है विद्यार्थियों, यह क्या कहता है, ये कहता है जैसे लंग के स्थान पर कार्य होते हैं वैसे लोट के स्थान पर भी हों। देखिए विद्यार्थियों यह सूत्र क्या है, केवल हमारी सिद्धि करने में सहायता करेगा और सिद्धि करने में ये सहायता करेगा, सिद्धि नहीं करेगा। यह सूत्र क्या कहता है कि जो सूत्र हमारे लंग लकार में लगते हैं ना, वे लोट लकार में भी लगेंगे। जैसे एक सूत्र होता है नित्यम गितः, वह लंग लकार में लगता है, लेकिन क्या है इस सूत्र का प्रयोग होने से वह लोट लकार में भी लग जाएगा। इसी प्रकार से तस् थस् थ मा ताम विपाम ताम तम तामह सूत्र है एक, इस सूत्र का प्रयोग भी लंग लकार में होता है विद्यार्थियों, किंतु इस सूत्र का प्रयोग होने से वह सूत्र इस लोट लकार में भी प्रयुक्त हो जाएगा। अब देखिए दूसरा सूत्र है देखिए तस थस थ मेपाम तान तन तामह। ये सूत्र है विद्यार्थियों तस थस थ मेपाम मेपाम ताम तन तामह। ये सूत्र है विद्यार्थियों, यह सूत्र क्या कहता है, गीतों के स्थान पर होने वाले क्या कहता है, गीतों के स्थान पर होने वाले तस थस थ और मिप, इन चार प्रत्ययों के स्थान पर इन चार प्रत्ययों की स्थान पर क्रमशः ताम
तम ता और अम आदेश होते हैं। देखिए विद्यार्थियों कि ये जो सूत्र है तस थस थ मिपाम ताम तम तामहा, यह सूत्र क्या कहता है? यह सूत्र ये कहता है कि जो प्रत्यय हैं आपके कौन से, गित। गित का मतलब क्या होता है? जिसमें से गां की संज्ञा होती है, और गां की संज्ञा किसमें से होती है? लंग लिंग लुंग लिंग, इनमें से। तो इनमें जो प्रत्यय होते हैं कौन सा? थस, सॉरी तस थस। देखिए तस थस था और मिप, ये जो चार प्रत्यय हैं इन प्रत्ययों के स्थान पे क्या है? ताम तम ता और अम क्रमशः आदेश हो जाते हैं, और आदेश हो जाएंगे। जैसे देखिए आप लिखेंगे भू प्लस तस, आप लिख देंगे इस स्थिति में। अब इसमें क्या विद्यार्थियों, ये जो तस है तो आपको पता है तस के स्थान पे क्या आता है? ताम। तो आप लिख देंगे इसको भू प्लस ताम, और आप लिख देंगे प्रकृत सूत्र से तस के स्थान पर ताम आदेश। ठीक है विद्यार्थियों, अब ये कहाँ आते हैं? गिंत प्रत्ययों में आते हैं, और गिंत प्रत्ययों में आते हैं जबकि हमें कौन सा प्रत्यय करना है? टित, क्योंकि लोट लकार तो क्या है? टित होता है। तो जब हम ये सूत्र लगाएंगे इससे पहले हमें यह लगाना पड़ेगा, और यह सूत्र क्या कहता है कि लंग लकार में जो कार्य होते हैं वैसे कार्य लोट लकार में भी हो जाएंगे। ठीक है विद्यार्थियों, तो यह सूत्र लगाना पड़ेगा हमको, लोटो लंगवत। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखो विद्यार्थियों, हम लोट लकार द्विवचन की सिद्धि करेंगे भवताम। कौन सी सिद्धि करेंगे? भवताम। और ये क्या है? लोट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन, प्रथम पुरुष द्विवचन की सिद्धि है विद्यार्थियों। विधि अर्थ में लोट च सूत्र से विधि अर्थ में लोट का आगम।
अब देखिए विद्यार्थियों, आपको पता है लोट लकार जो है, लोट लकार का ट और ओ ये क्या है, इस संज्ञक हैं और इस संज्ञक हैं, तो इनकी हम पहले संज्ञा करेंगे और फिर त से लोप से क्या करेंगे, लोप कर देंगे। देखिए आप लिखेंगे भू प्लस लोट और आप लिख देंगे हलंत्यम सूत्र से लोट के टकार की इत संज्ञा हुआ तस्य लोप सूत्र से इत संज्ञक टकार का लोप। अब देखिए ओ की संज्ञा करेंगे और फिर ओ का लोप कर देंगे, फिर लिखेंगे भू प्लस लोट, आप लिखेंगे उपदेश अजनुनासिक इत सूत्र से लोट के टका सॉरी ओकार की इत संज्ञा तथा तस्य लोपः सूत्र से इत संज्ञक होकार का लोप। अब देखिए हमारे पास हलंत ला शेष है और लकार के स्थान पे क्या आ जाते हैं, तिप तस्जी आदि जो 18 तिंग प्रत्यय हैं उनका आगम होता है और आपको सूत्रों का पता है, लह परस्मयी पदम शेषात कर्तरी परस्मयी पदम तिंगस त्रीणी त्रीणी प्रथम मध्यम उत्तमा तान्य एक वचन द्विवचन बहुवचनानी एक सह सूत्रों की सहायता से तिप तस्जी सिप्थस्थ मि बस मस त आताम झ था सा थाम ध्वम इट वही महिंग सूत्र से लकार के स्थान पर परस्मयी पद संज्ञक प्रथम पुरुष द्विवचन का तस प्रत्यय आदेश इस तरीके से लिखेंगे। अब देखिए भू प्लस तस, आप लिखेंगे लह परस्मयी पदम, फिर लिखेंगे आप शेषात कर्तरी परस्मयी पदम, फिर है सिंग स्त्रीणी त्रीणी प्रथम मध्यमोत्तमा और तान्येकवचन द्विवचन बहुवचनान्येक सह
सूत्रों की सहायता से तिप्तस जी सूत्र से लकार के स्थान पर प्रथम पुरुष द्विवचन में पारस्मै पद संज्ञक तस् प्रत्यय आदेश। और देखिए विद्यार्थियों, जब तस आ जाता है तो हम क्या करते हैं, तस की सार्वधातुक संज्ञा करते हैं और आप लिखेंगे भू प्लस तस और सूत्र लग जाएगा तिंग सित सार्वधातुकम्। सूत्र से तस की सार्वधातुक संज्ञा आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए विद्यार्थियों। अब देखिए, जब तस की सार्वधातु संज्ञा हो गई तो हम क्या करते हैं, सबका आगम करेंगे और सबके जो विकरण होते हैं, सॉरी अनुबंध होते हैं, प और स, उनकी संज्ञा करके तस से लोप, प से लोप करेंगे। देखिए भू प्लस सप प्लस तस, आप लिखेंगे कर्तृ सब सूत्र से कर्ता अर्थ में सबका आगम। इसके बाद विद्यार्थियों पकार की संज्ञा कर लेंगे, भू प्लस सप प्लस तस, और आप लिखेंगे हलंत्यम सूत्र से सप के पकार की एक संज्ञा।
इत संज्ञक पकार का लोप अब देखिए इसके सा का लोप करेंगे भू प्लस सप प्लस तस और आप लिख देंगे लसक व तद्धते आप लिखेंगे सूत्र से लसक व तद्धते सूत्र से सप के सकार की इत संज्ञा तथा तस्य लोपः सूत्र से इत संज्ञक सकार का लोप और देखिए फिर हम इस सब की सार्वधातुक संज्ञा करेंगे और ये हो जाएगा भू प्लस सप प्लस तस और सूत्र लग जाएगा तिंग सित सार्वधातुकम आप लिखेंगे सूत्र से सबकी सार्वधातुक संज्ञा और अब विद्यार्थी इसको गुण कर लेंगे भू प्लस सप प्लस तस और आप सूत्र लगा देंगे सार्वधातुक अर्ध धातु कयोः सार्वधातुक अर्ध धातु कयोः सूत्र से एगंत अंग को गुण आदेश प्रिय विद्यार्थियों आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें देखिए ये ओ है इसके बाद अचार आए तो हमारा सूत्र लग जाएगा एचो अय वायावः
आप लिखेंगे भाप प्लस सप प्लस तस और सूत्र लिख देंगे ए जो आया वाया वहा सूत्र से एच को अब आदेश अब देखिए विद्यार्थियों हमको सिद्धि करनी है भवताम की और यह बना है हमारा भवतस तो हम क्या करेंगे इस तस के स्थान पर ताम ले आएंगे जो अभी मैंने आपको सूत्र लिखाए थे उससे सप प्लस ताम और आप सूत्र लगा देंगे लोटो लंगवत सूत्र की सहायता से लोटो लंगवत सूत्र की सहायता से थस थस थ तान तन तामरा सूत्र से तस के स्थान पर ताम आदेश और विद्यार्थियों अध्ययन हम परेण संयोजन से जोड़ देंगे और ये हो जाएगा भवताम। और परिभाषा लग जाएगी अधीनम परेण संयोजन प्रिय विद्यार्थियों आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें देखिए सूत्र है सेव्य सेव्य पिच
देखिए सूत्र का अर्थ है लोट लकार के सी के स्थान पर ही आदेश हो वह अपित संज्ञक हो। क्या कहा विद्यार्थियों? लोट के सी के स्थान पर ही आदेश हो और वह अपित संज्ञक हो। देखिए जो सिप प्रत्यय होता है, सिप का सी शेष रह जाता है, सी को क्या हो जाता है? ही हो जाता है लोट लकार में। देखिए आप लिखेंगे जैसे करके लिखेंगे आप, इसमें आप पहला उदाहरण जो लिखेंगे भू प्लस सी, आप लिखेंगे इस स्थिति में और फिर लिख देंगे आप भू प्लस ही और आप लिख देंगे तेव्य पिच सूत्र से सी के स्थान पर ही आदेश क्या करना है विद्यार्थियों? सी के स्थान पर ही आदेश करना है हमें। अब देखिए दूसरा सूत्र है अतो हेय अतो हेय सूत्र क्या कहता है विद्यार्थियों? अदंत अंग से परे क्या कहते हैं? अदंत अंग से परे ही कारक होता है। लुक भी विद्या की एक संज्ञा है। तो देखिए जो ही आया है इसका क्या हो जाएगा? इस सूत्र से लुप हो जाएगा, लोप हो जाएगा। देखिए आप लिखेंगे जैसे भू प्लस ही, आप लिखेंगे इस स्थिति में ऐसे लिखेंगे विद्यार्थियों और फिर लिखेंगे भव प्लस सप और ही का कर लेंगे लो और सूत्र लग जाएगा आपका अतो हे और आप लिख देंगे सूत्र से ही का लुक। ठीक है विद्यार्थियों, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें।
अब देखिए विद्यार्थियों, हम भव की सिद्धि करेंगे। कौन सा रूप है? भव। और भव आप लिखेंगे लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप है विद्यार्थियों। देखिए इसमें भी पूर्व की तरह पहले लोट लाएंगे, लोट में जो अनुबंध हैं टा और ओ उनका लोप करेंगे। देखिए भू प्लस लोट आप लिखेंगे लोट चा सूत्र से विधि अर्थ में लोट आगम। फिर लिखेंगे विद्यार्थियों भू प्लस लोट आप लिखेंगे हलंत्यम सूत्र से लोट के तकार की इत संज्ञा व तस्य लोपः सूत्र से इत संज्ञक तकार का लोप। इसके बाद विद्यार्थियों आप ओ का लोप करेंगे भू प्लस लोट और सूत्र लिख देंगे आप उपदेश आज नो नासिक हेतु। क्या लिखेंगे विद्यार्थियों? उपदेश अजनुनासिक इत सूत्र से लोट के ओकार की इत संज्ञा तथा तस्य लोपः सूत्र से इत संज्ञक ओकार का लोप। फिर देखिए अब आपके पास क्या है? हलंत ला रह गया, केवल लकार है, तो लकार के स्थान पर कौन सा प्रत्यय आएगा? हमारा मध्यम पुरुष एक वचन का सिप प्रत्यय। तो देखिए आप लिखेंगे भू प्लस सिप और सूत्र लगाएंगे लह परसमयी पदम से सात कर्तरी परसमयी पदम
प्रथम मध्यमोत्तमः पानी वचन द्विवचन बहुवचनानि सह सूत्रों की सहायता से तिपुतस जी सूत्र से लकार के स्थान पर मध्यम पुरुष एक वचन का परस्मै पद संज्ञक सिप प्रत्यय आगम प्रिय विद्यार्थियों आपका आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए इस सिप की आप सार्वधातुक संज्ञा करेंगे फिर सबका आगम करेंगे। आप लिखेंगे भू प्लस सिप तिंग सित सार्वधातुकम सूत्र से सिप की सार धातु समझा। और फिर ले आएंगे आप सब और सब ले आएंगे विद्यार्थियों सूत्र लग जाएगा कर्तरी सब सूत्र से कर्ता अर्थ में सब आगम
देखिए इस सिप के पा और सबके पा की संज्ञा कर देंगे और तस्य लोपा से दोनों का लोप। आप लिखेंगे भू प्लस सप प्लस सिप और आप सूत्र लगा देंगे विद्यार्थियों हलंत्यम सूत्र से सिप के पकार और सप के पकार की इत संज्ञा हुआ तस्य लोपः सूत्र से इत संज्ञक पकार का लोप अब देखिए विद्यार्थियों इस सा का लोप कर देंगे। आप लिखेंगे भू प्लस सप प्लस सिप और सूत्र लगा देंगे लसक्व तद्धिते सूत्र से सब के सकार की हेतु संज्ञा व तस्य लोप सूत्र से सकार का लोप प्रिय विद्यार्थियों अब देखिए इसको हम सार्वधातुक संज्ञा करेंगे सबकी। आप लिखेंगे भू प्लस सप प्लस सिप और सूत्र लग जाएगा आपका तिंग सित सार्वधातुकम्। सूत्र से सप की सार्वधातुक संज्ञा प्रिय विद्यार्थियों आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए इसको गुण कर लेंगे धातु को और ये हो जाएगा आपका भू प्लस सप प्लस सी और सूत्र लग जाएगा विद्यार्थियों सार्वधातुक आर्ध धातु का योग
सूत्र से एकांत अंग को गुण आदेश। और फिर देखिए ओ के बाद अच है आ, तो ओ को कर देंगे अव आदेश। और देखिए ये हो जाएगा आपका भाव प्लस सप प्लस सी। और सूत्र लग जाएगा विद्यार्थियों ए चो अय वायावः। सूत्र से एच को अव आदेश और उसके बाद देखिए इस सी को ही कर लेंगे भाव प्लस सप प्लस ही। और सूत्र लग जाएगा सेर्य पिच सूत्र से सी को ही आदेश। और फिर विद्यार्थियों इस ही का लूप कर देंगे और सूत्र लग जाएगा अतो हे आ सूत्र से ही का लोप और फिर इसको जोड़ देंगे और आप लिख देंगे अजीनम परेण संयोजन सूत्र से परिभाषा से संयोग करने पर रूप सिद्ध। प्रिय विद्यार्थियों आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। आज के इस लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद।